भक्तांबरी स्त्रोत व्याख्यान माला के अंतर्गत आचार्य मानतुंग स्वामी भक्ति में डूबे हुए हैं। डूब डूब करके अनेक प्रकार के रत्नों को प्रदान कर रहे हैं और जब कोई रत्नत्रयधारी रत्नों को प्रदान करता है तो निश्चित ही वो रत्न रत्नत्रय के लिए हुआ करते हैं। उद्देश्य रत्नों को पाना नहीं है, उद्देश्य रत्नत्रय को पाना है। अगर तुमने अपने जीवन में रत्नत्रय को पा लिया तो रत्न तुम्हारे आगे आगे चलेंगे और रत्नत्रय को छोड़ करके तुम रत्नों के पीछे भागोगे तो रत्न तुमसे बहुत दूर रहेंगे। जिन जिन ने भी रत्नत्रय की साधना की है, आराधना की है, उनके जीवन में रत्नों की वृष्टि हो जाया करती है, चरणों में रत्न बिछे रहते हैं और रत्न प्रतीक्षा करते हैं। अभी आप रत्नों की इच्छा करते हैं और रत्न रत्नत्रयधारी की प्रतीक्षा करते हैं, कितना अंतर है दोनों में? बहुत बड़ा अंतर है। रत्न भी खड़े रहते हैं इंतजार में, स्वामी मुझे भी अवसर दो, मुझे भी अवसर प्रदान करो ताकि मैं आपके चरणों में अपना अहोभाग्य मानूं। कौन कह रहे हैं? ये रत्न कह रहे हैं। और आप कहते हैं हे रत्न मेरे पास आ जाओ, मेरी तिजोरी में मैं अहोभाग्य मानूं। फिर भी वो आपसे दूर भागते हैं। आप श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और मुनिराज ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप रत्न लेकर के इंतजार करते हैं स्वामी आइए। और परिक्रमा भी लगाते हैं, वो रत्न भी परिक्रमा लगाते हैं। देखो कितनी विचित्रता है। अभी आप देखना कि रत्न है, जिस स्वर्ण के पीछे हम भागते हैं वो स्वर्ण भी वहां पर तैयार रहता है प्रभु की सेवा के लिए और वहां पर प्रभु देखते भी नहीं। जितना तुम उसको छोड़ोगे उतना ही वो तुम्हारे पीछा करेंगे और आगे आगे चलेंगे। जितना तुम मुड़ करके देखोगे उतना ही वे बहुत दूर तुम्हें दिखाई देंगे। देखो चक्रवर्ती ने छोड़ दिया 6 रत्न, सबको छोड़ दिया, 14 रत्नों को छोड़ दिया, 9 निधि छोड़ दिए। किसके लिए? रत्नत्रय के लिए। चक्रवर्ती अपनी सारी विभूति को रत्नत्रय के लिए छोड़ दिया करता है, जिसके लिए हम जोड़ने के लिए तैयार है। कीमत क्या है? कभी कभी हम सोचते हैं अनमोल खजाना किसे कहते हैं? लोग कहते हैं अनमोल खजाना मिल गया। किसका नाम है अनमोल खजाना? शंकरलाल जी, क्या है अनमोल खजाना? ज्ञानी तू जिसका भी मोल नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ा अनमोल खजाना अगर है उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, रत्नत्रय है। जिस रत्नत्रय के लिए 14 रत्नों को छोड़ के चल दिया जाता है उससे बड़ा खजाना हो क्या सकता है? जो खजाना मिलता नहीं है सौधर्म इंद्र के पास भी नहीं मिलेगा।
कुबेर को अगर वो आदेश करता है कि देखो खजाने में इस प्रकार के रत्न है क्या, तो कुबेर के भंडार में विश्व के लोक के अच्छे अच्छे रत्न रहते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ रत्न है उन सर्वश्रेष्ठ रत्नों का अभाव पाया जाता है और वो भी उसके लिए तरस जाता है। अगर मेरे पास कोई कमी है तो इन तीन रत्नों की ही कमी है। किसकी? इन्हीं रत्नों की कमी है। सौधर्मिंद भी तरसता है रत्नात्रय के लिए और विचार करता है एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए। कौन सोचता है? शशांक, एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए और मैं उस अनमोल खजाने को पा लूं। क्या कर लूं? अनमोल खजाने को पा लूं। एक बार मिल जाए, सौधर्मिंद के भंडार में कोई कमी नहीं है। क्या कमी है? इतना शक्तिमान, इतना वैभव, इतना परिकर, लेकिन दृष्टि में वो अनमोल नहीं है। अनमोल तो वही है जो रत्नात्रय है। इसलिए सौधर्मिंद रत्नात्रय धारियों के लिए हमेशा हाथ जोड़ करके नतमस्तक रहता है, वंदना के लिए तैयार रहता है, अर्चना के लिए तैयार रहता है। और जब जब भी अर्चना करता है भावना भाता है कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए और मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल मिल जाए और ऐसा योग मिल जाए, ऐसा समागम मिल जाए ताकि मैं रत्नात्रय को स्वीकार करके अपने जीवन में उसकी साधना कर सको। आनंद बरसता है, वह बरसता है कहाँ? रत्नात्रय में। क्योंकि ये आत्मिक गुण है। कौन से गुण है? ये आत्मिक गुण है ज्ञानियों, ये चेतन के गुण हैं और हम अचेतन के पीछे भागते हैं। अभी तक हमने जितने भी भाव व्यतीत कर दिए हैं वो सब अचेतन में। देखो ना, आपने चेतन में कितना समय दिया है? कभी भी हमने चेतन प्रदेशों को देखा ही नहीं है। और ये भक्तांबर स्त्रोत चैतन्य प्रदेशों को शुद्ध करने के लिए है। चैतन्य की झंकार है भक्ति। किसके? चैतन्य की झंकार है भक्ति। और चैतन्य की झंकार जब होती है तो चेतना जाग जाती है और उसमें इतनी चेतना होती है उस झंकार में। किसमें? उस झंकार में इतनी चेतना होती है कि मालूम नहीं कितनी सारी चेतनाओं को जगा देती है। सोने का नाम भक्ति नहीं है, जागने का नाम भक्ति है। जब भक्ति जागती है ना, उमंग उल्लास, उस समय जो आनंद आता है, जो आह्लाद होता है, जो सुकून होता है, वो दुनिया में कहीं नहीं होता है। आप अरबों खरबों खर्च कर देना, पूरा खजाना लुटा देना, लेकिन उस आनंद को हम नहीं पा सकते हैं। आनंद को खरीदने की किसी में क्षमता नहीं है। कोई आज तक कोई भी ऐसा रुपया पैसा नहीं बना है, कोई भी डॉलर तैयार नहीं हुआ है जिससे हम आनंद को खरीद सके। आज वो डॉलर वाले भी उस आनंद को खोजने के लिए इसी भारत वसुंधरा पर आते हैं।
शांति की प्राप्ति करने के लिए, मन के सुकून के लिए इस भारत भूमि का दर्शन करने के लिए आते हैं, वो तरसते हैं और निकालते हैं। अगर दुनिया में कहीं शांति मिलते ही आनंद मिलता है, मन को सुकून मिलता है, तो उस देश का नाम वो भारत देश है। क्या है? उस देश का नाम भारत देश है। ये भारत तो एक संस्कृति है। क्या है? भारत एक संस्कृति है, संस्कारों का खजाना है, इसलिए इस देश का नाम भारत है। आज से नहीं, पहले से चला रहे भारत। ऋषभदेव के पुत्र आदि तीर्थंकर जैन दर्शन के 24 के आदि तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्होंने दोनों प्रकार की शिक्षा दी है, कृषि करो ऋषि बनो, कृषि करो ऋषि बनो, षट कर्म की शिक्षा दी है गृहस्थ के लिए और षट कर्तव्य की शिक्षा दी है मुनि के लिए। ऐसे इस जगति के परमाणुओं को शुद्ध करने वाले, परस्कृत करने वाले, संस्कारों का बीजारोपण करने वाले वो चौदह में कुलकर नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव और उनके पुत्र षटखंडाधिपति प्रथम चक्रेश भरतेश भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से भारत देश जाना जाता है, नाम पड़ा इस देश का वो भरत चक्रवर्ती से पड़ा, ऋषभदेव के पुत्र से पड़ा है। ये तो हमारा प्राचीनतम नाम है और वही प्राचीनतम नाम को आज फिर से वही पुकार हो रहे हैं कि नहीं, हमारा देश तो भारत ही है, इंडिया नहीं है। इंडिया तो अंग्रेजों ने बीच में ला करके खड़ा कर दिया, इसलिए भारतीय संस्कृति भी भारतीय है। कभी किसी संविधान में इंडियन संस्कृति का उल्लेख है क्या? कहीं लिखा है संविधान में इंडिया संस्कृति, इंडिया सभ्यता? कहीं भी नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ये भारतीय संस्कृति। संविधान भी भारतीय संविधान ही है। और बतला दूं आपको, संविधान क्या है? भारतीय संविधान है। और जब भारतीय हम बोलते हैं तो गौरव होता है, इंडिया बोलने में गौरव नहीं है। हम कहते हैं हम भारतवासी हैं, और देश का नाम जैसे ही हम भारत लेते हैं, भारत बोलते हैं, तो कितना गर्व होता है, मैंने भारत की धरती पर जन्म लिया है, कि जहां पर ऋषि मुनियों हमारे तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, हमारे महापुरुषों ने, जितने भी आज तक महापुरुष हुए हैं वो भारत की धरती पर हुए हैं, विश्व में किसी धरती पर नहीं हुए हैं। कितनी बड़ी विशेषता है हमारे देश की, इसलिए तो देश की भूमि वंदनीय है। इसलिए देश की भूमि वंदनीय है। वैसे ही देश में कड़कड़ पवित्र है, कड़कड़ से सिद्ध हुए हैं ऋषि मुनियों ने, तपस्या की है दिगंबर साधु ने, जहां पर साधना की है, साधना से एक एक कण पवित्र है। इसलिए अगर भारत भूमि को हम पूरा तीर्थ क्षेत्र कह दें तो कहीं भी दिक्कत नहीं है। इसलिए भारत पूरा हमारा देश का देश तीर्थ है, और उस तीर्थ की वंदना करने के लिए विश्व से आते हैं इस माथे पर लगाने के लिए कि भारत की भूमि की रज भी मेरे मस्तक पर लग जाए तो मैं धन हो जाऊंगा। वो भारत देश हमारा। और बहुत अच्छी बात है कि आज फिर वही आवाज पुनः नहीं, हमारा देश भारत है, था, है और रहेगा। इसलिए हम गर्व होता है
और जब सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है कि देखो कम से कम संस्कृति का ख्याल तो है। आज संस्कृति की रक्षा और संवर्धन के लिए ऐसा नहीं कि हमारे अंदर वो संस्कार न हो, संस्कार तो है। कोई भी भारत देश का अंदर से आवाज अगर देखेंगे तो भारत ही निकलेगा। इंडिया तो अंदर से गूंज ही नहीं सकता है। किसी के हृदय को देखो कहीं भी इंडिया विद्यमान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ही नहीं है। वो बात अलग है कि बोलचाल में बोल जाते हैं, अब वो सीख लिया है तो बोल जाते हैं, नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो बोलने की भाषा भी सुधर जाएगी। क्या होगी? वो भी सुधर जाएगी और हर मुख से फिर निकलने लगेगा वापस, नहीं नहीं इंडियन नहीं, मैं भारतीय हूं। क्या? इंडियन नहीं, भारतीय हूं। और इस भारतीय वसुंधरा पर गूंजता है तो भक्तांबर स्त्रोत गूंजता है। क्या गूंजता है? भक्तांबर स्त्रोत गूंजता है, नवकार मंद गूंजता है। इतनी गूंज है, मानतुंग स्वामी वही तो कह रहे हैं, जिसकी गूंज से कण कण प्रदेश प्रदेश पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसा भक्तांबर स्त्रोत की भक्ति की मंदाकिनी में जो मकरंद होता है, उस मकरंद का पान करो। आचार्य मानतुंग स्वामी भक्ति में डूब करके कल बतला रहे थे, प्रातिहार का वर्णन कर रहे थे, और प्रातिहार प्रतिहार प्रतिहारी की व्यवस्था, जहां पर प्रतिहार हर तरह से तैयार रहते हाथ जोड़ करके, और भक्ति से ऐसी स्थिति उपस्थित कर देते हैं। प्रतिहार माने होता है देव, और देवों की व्यवस्था है प्रातिहार।